बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमीम स्टिचिंग आइडियाज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत बेबी गर्ल स्कर्ट एंड टॉप की वीडियो शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैंट को कट करके हम ये बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा बेबी गर्ल स्कर्ट एंड टॉप। वीडियो आपने लास्ट तक वॉच करनी है। बहुत ही खूबसूरत सा बेबी गर्ल स्कर्ट एंड टॉप बनाएंगे हम। तो मैंने पहले जो मार्क किया है वो 11 इंच के करीब किया था। ये जो मैंने कट किया है ये मैंने 6 इंच के करीब, फिर मैंने 6 इंच के करीब कट किया। ऊपर का मैंने क्रॉस में जितना हमारे पास बचा मैंने कट कर लिया, बस इस तरीके से। ये देखें, इसको हमने कट करके अलहदा कर लेना है, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। तो इसको मैंने इस तरीके से रेप कट में कट करना है। तो मैंने निशान मार्क पहले किया था, उसके ऊपर मैंने कट कर लिया है। तो देखें बस बस इस तरीके से हमने तमाम पीसीस को अलग अलग कर लेना है। पैंट के साथ हम बहुत ही खूबसूरत सा स्कर्ट एंड टॉप बनाएंगे आज छोटी बेबी गर्ल का, तकरीबन 1 ईयर की बेबी गर्ल। बस तमाम पीसेस को इस तरीके से वन साइड से कट करके ओपन कर लेना है हमने। देखिए मैं वन साइड से कट कर रही हूँ और ओपन कर रही हूँ, तो मैं आपको बाद में बताती जाऊँगी कि मैंने इसको क्या करना है। इससे हमने टॉप बनाना है। देखिए पैंचे की साइड से हमने कट कर दिया है और सिलाई हमने निकाल ली है। ये देखिए मैंने सिलाई निकाल ली है। तो बस इस तरीके से डबल फोल्डेड करके इसको हमने इस तरीके से फोर फोल्ड करना है। फोर फोल्ड करने के बाद हमने इस तरीके से क्रॉस में थोड़ा सा इसको निशान मार्क करके कट कर देना है। बस देखिए इससे हम टॉप बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा। तो बस इस साइड से ओपन कर लेना है हमने कट करके इसको अच्छे से। तो देखें यहाँ से हल्की सी नोक बनेगी हमारी जो टॉप है उसकी। तो देखें अब ये मैंने जो क्रॉस में कपड़ा कट किया था इससे भी हम बाद में कट करेंगे। पहले हम दूसरी साइड जो है उससे हमने जो है स्कर्ट की जो है वो टॉप स्कर्ट की वो हमने बनानी है झालर की टाइप, मतलब उसमें हमने चुनट डालकर मतलब वो बनाना है। तो ये हमारी जो है स्कर्ट बनेगी इससे। तो आप देखते जाएं वीडियो, आपको खुद बखुद ही समझ आ जानी है कि कैसे बनाना है हमने। तो इससे हमने स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेनी है, हमने दोनों साइडों से स्ट्रेट कट करना है, इसको इक्वल ही कट करना है हमने। तो मैंने ये देखें कट कर लिया है, इसको ईजिली कट हो जाएगा। तो बस मैंने कट कर लिया, तो मैंने दोनों को अलहदा अलहदा कर लिया है। ये देखें वन साइड से हमने जो टॉप की बनाई थी कटिंग की थी वो की थी, और ये हमने चुनट बनानी है। तो ये मैंने देखें साइड कट किया था जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा हमें रेप कट करना है। देखें बस इस तरीके से हमने इसको नोक, इसकी एक साइड की जो नोक है उसको लंबा रखना है, एक साइड से शॉर्ट कर देना है। बस ये देखें इस तरीके के क्रॉस में कपड़ा कट करना है। अब जो मैंने टॉप बनाना है तो उसकी मैंने जो ऊपर वो लगानी है स्टेप लगाने हैं, तो मैंने उसके लिए कपड़ा कट कर लेना है। बस अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमने दूसरी साइड पैंट की कट की थी जिसे हमने वो बनाना है स्कर्ट बनाना है, तो देखें इसको हमने पहले दामन से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। देखें मैंने फोल्ड कर लिया है इसको, बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड कर लेना है। इसको डबल फोल्डेड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके इतने धागे नहीं निकलते, तो हमने बस वन फोल्ड ही करना है। तो देखें मैंने वन फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा करीब भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए बस मैं इस तरीके से वन बाय वन प्लेट्स डालती जाऊंगी इसके अंदर। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो बस इस तरीके से देखें हमने प्लेट्स को डालते जाना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखें बस इस तरीके से हमने प्लेट्स डालते जाना है, बस और कुछ भी नहीं करना है हमने। पहले इसको प्लेट्स डालकर रेडी कर लेना है। तो मैंने ये रेडी कर लिया है। जो मैंने 6 इंच का कपड़ा कट किया था ये वो है, उसको हमने ऊपर से फोल्ड कर देना है जहाँ पर हम लास्टिक डालेंगे। ये मैंने 2 पीस कट किए थे, आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे 6-6 इंच के करीब मैंने 2 पीसेस कट किए थे। तो ये वो पीसेस हैं, इसको हमने अच्छे से फोल्ड कर देना है। ऊपर से पहले हमने फोल्ड करना है, वन साइड हम रेडी करेंगे पहले। तो बस इस तरीके से हमने अपने इसको जो है स्कर्ट की झालर टाइप जो हमने बनाई है उसके ऊपर रखकर बस स्टिच कर देना है। तो लीजिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी स्टिच कंप्लीट हुई। अब टॉप स्टिच लगा लेंगे हम इस तरीके से अच्छे से। हमने टॉप स्टिच लगाना है, टॉप स्टिच से हमारा थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा काम और दूसरा ये कि खूबसूरत भी लगेगा। तो बस इस तरीके से हमें टॉप स्टिच लगा लेना है इसके ऊपर ऊपर। तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है। जो मैंने देखे रेप में कट किया था
देखें इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए मैंने स्टिच कर लेना है। बस किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरीके से रखना है हमने और स्टिच कर लेना है ऊपर से। ये वही रेप कपड़ा है जो मैंने वन साइड से नोक में रखा था और वन साइड से ज़्यादा थोड़ा सा कट किया था। तो देखें बस इस तरीके से इसके ऊपर रख कर हमने टॉप स्टिच लगा देना है बस। तो ये हमारी वन साइड कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड जो है वो हमारी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। बैक साइड में मैंने लास्टिक डाल लिया है। बैक साइड पे हमें सिर्फ प्लास्टिक डालना होगा, हमें फ्रंट पे नहीं डालना है। आपको ये बात याद रहनी चाहिए, फ्रंट पे नहीं प्लास्टिक डालना है, हमने बैक साइड पे सिर्फ हमारा प्लास्टिक डलेगा। तो बस अब दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे, अच्छे से पक्का कर देंगे यहाँ पे। तो बस इस तरीके से हमने स्टिच कर लेना है। देखें टॉप स्टिच लगा मतलब कि स्टिच कर देना है हमने साइडों से, और अच्छे से पक्का भी करना है डबल स्टिच करने के बाद। देखें अब दूसरी साइड से भी मैं करके दिखाती हूँ आपको कंप्लीट। तो अब मैं लगा लेती हूँ स्टिच। तो लीजिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बटन भी अटैच कर सकते हैं रख कर। तो हमारा जो है स्कर्ट जो हमारी रेडी हो गई है। अब हम जाएंगे टॉप की तरफ। देखें स्कर्ट बहुत ही खूबसूरत सी हमारी रेडी हुई है, बहुत क्यूट सी है। और ये देखें प्लेट्स देखें कितनी खूबसूरत डली हैं हमारी। तो एक ही पैंट के कपड़े में हमने बहुत ही खूबसूरत सा टॉप भी और जो है स्कर्ट भी रेडी कर ली है। तो देखें अब टॉप की तरफ आ गई हूँ मैं। तो बस इस तरीके से हमने इसको ये देखें स्टिच कर लेना है हमने अच्छे से। बस हमने टॉप की जो है ये स्टेप हैं टॉप के जो हमने स्टेप लगाने हैं ऊपर, तो ये स्टेप को भी वन फोल्डेड कर लूँगी। देखें बस इस तरीके से हमने ट्रिपल डबल फोल्डेड नहीं करना है, बस एक साइड से अंदर करके थोड़ा सा और दूसरी साइड से टॉप स्टिच लगा देना है बस। तो हमारा ये टॉप स्टिच कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो बस हमारे जो स्टेप हैं रेडी हैं। अब सेकंड साइड की बारी आती है। सेकंड साइड भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जो मैंने थोड़ी सी नोक टाइप रखा था उस नोक को इसी तरीके से गुलाई में फोल्ड कर लेंगे बारीक बारीक सा। बस फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर स्टेप ज्वाइन करेंगे और नीचे की साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें मैंने नीचे की साइड से पहले फ़ोल्ड कर लिया है इसको अच्छे से। बस हमें वन साइड ही फोल्ड करना है, डबल फोल्डेड नहीं करना है, बहुत मोटा हो जाएगा तो फिर सिलाई भी नहीं होना। तो इसलिए वन साइड से ही हम फोल्ड करेंगे, धागे नहीं निकलेंगे इसके। तो वन साइड ही हमें फ़ोल्ड करनी है इसकी। बस इस तरीके से हम वन साइड से फ़ोल्ड कर लेंगे ये देखें। तो चलिए यहाँ पर हमारा स्टिच कम्प्लीट हुआ। तो टॉप की ये जो हमने नोक हल्की सी रखी है इसको हम ऊपर की साइड करेंगे, ये नीचे साइड नीचे की साइड नहीं आएगी, ये ऊपर की साइड होगी। यहाँ पे हम स्टेप ज्वाइन करेंगे। तो देखें मैंने स्टेप के लिए दोनों साइड से अच्छे से मार्क कर लिया है, इक्वल ही मार्क करना है हमें, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने चौक से मार्क कर लिया है पहले ही, ताकि हम उसके ऊपर ईजिली स्टेप को ज्वाइन कर सकें। तो बस इसी के ऊपर पर हमें यहाँ पर आ जाना है और सेकेंड स्टेप भी यहाँ पर ज्वाइन कर देना है बस। तो लाइट नहीं थी तो इसलिए प्रेस नहीं किया था, तो बस इंशाल्लाह ये बाद में प्रेस करके आपको दिखा दूंगी मैं। तो देखिए बस दोनों साइडों से मैंने स्टेप को ज्वाइंट कर लिया है अच्छे से। बस इस तरीके से मैंने इसको बस ज्वाइंट कर देना है, दोनों साइडों से स्टिच कर देना है। बहुत ही खूबसूरत सा जो है हमारा टॉप रेडी हो जाएगा, क्यूट सा। तो बस इस साइड से भी मैंने अच्छे से स्टिच कर लेना है, पक्का स्टिच करना है डबल करके। तो लीजिए हमारे जो टॉप का जो है स्टिच कम्प्लीट हुआ। बस इस तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, बहुत ही खूबसूरत सी क्यूट सी टॉप हमारी रेडी हुई है। तो देखें बस ये बटरफ्लाई मैंने बंचेस लिए थे तो मैंने ये इसके ऊपर अटैच कर देने हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हमारा ये टॉप एंड स्कर्ट जो है रेडी होगा। तो बस अब इसके ऊपर मैं ये अटैच कर लेती हूँ बटरफ्लाई। तो मैं इसको मशीन से ही अटैच करूँगी, तो मैं आपको अटैच करने के बाद दिखाऊँगी। इस तरीके से बस रखते हुए हमने अटैच करना है। तो लीजिए व्यूअर्स हमने इसको अटैच कर लिया है। देखें बैक साइड पे हमारा इलास्टिक है और फ्रंट साइड पे सिंपल है, यहाँ हमने इलास्टिक नहीं डालना है। देखें तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो है टॉप एंड जो है स्कर्ट रेडी है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी आपने कमेंट में लाजमी बताना है। मुझे तो आज बहुत ही अच्छी लगी वीडियो, बेबी गर्ल के लिए बना सकते हैं, जिनकी बेबी गर्ल हैं वो ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। जो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।